साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत की जांच कर रही सीबीआई की टीम करीब 15 दिनों की जांच पड़ताल के बाद वापस पटना लौट गई है। शुक्रवार अल सुबह टीम यहां से ब्रह्मपुत्र मेल से रवाना हुई। टीम को आज अब तक के जांच प्रतिवेदन से अपने वरीय अधिकारियों को अवगत कराना था। सूत्रों की माने तो टीम ने शुक्रवार शाम पटना कार्यालय में रिपोर्ट भी कर दिया है। अब वहां वरीय अधिकारियों से इस केस के संबंध में चर्चा होने वाली है, जिसके बाद टीम को आगे का टास्क दिया जाएगा। अगले सप्ताह पूरी टीम यहाँ आ सकती है। इस बीच कुछ लोगों को पूछताछ के लिए पटना स्थित कार्यालय में भी बुलाया जा सकता है। इससे पहले सब इंस्पेक्टर ज्योत्सना महतो से भी देर शाम सीबीआई अधिकारियों ने पूछताछ की थी। सब इंस्पेक्टर मनीषा और ज्योत्सना महतो का बयान इस मामले में अहम है, क्योंकि रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराइन ने पुलिस को आवेदन देकर दोनों पर प्रताड़ना का आरोप भी लगाया था। फिलहाल देखना होगा कि मामले की जांच में आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।